Subscribe the TechnoTech Guruji YouTube channel and press the bell icon for latest videos or notifications. हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रॉकी। अब सभी लोग आज कह रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक गुरुजी। गाइस मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, गाइस आपको तो ऑलरेडी पता चल गया होगा टाइटल और थंबल से, मैं आज इस वीडियो को बताने वाला हूँ आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस के लिए किस तरह से आप GTA 5 का लाइट वर्जन डाउनलोड कर पाएंगे, मतलब GTA 5 का मोड। ओके, GTA 5 का मोड आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, GTA 5 का लाइट वर्जन का मोड, वो भी GTA SA में। लेकिन GTA SA आपके मतलब ये जो मोड है, ये मोड ऑलरेडी GTA SA का जो लाइट वर्जन है उससे बनाया गया है। तो गाइस आपके फ़ोन में GTA SA नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ इसका डाटा फाइल और आपको APK फाइल डाउनलोड करनी है। गाइस आपको और कुछ भी नहीं करनी है, सिर्फ APK फाइल और डाटा फाइल आपको मतलब आपको सिर्फ दो फाइल डाउनलोड करनी है। गाइज आपको दो फाइल का साइज आपको मिलेगा, मतलब एक आपको 400 MB में पूरा GTA 5 का मोड आपको मिल जाएगा और पूरा गेम आपको मतलब पूरा GTA SA का फुल गेम आपको मिल जाएगा ओनली ऑन 400 MB। ओके गाइज, मतलब आप सिर्फ डाटा फाइल को डाउनलोड करेंगे 400 MB में और APK को डाउनलोड करेंगे, APK या 10 MB या 16 MB के आसपास होगा APK। आप सिर्फ आपको ये दोनों फाइल डाउनलोड करना है। गाइज ए मोड को GTA SA मतलब GTA SA का जो लाइट वर्जन है उसमें बनाया गया है, तो गाइज आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है। ओके, और एक बात है गाइज, ए मोड मेरा नहीं है, ए मोड है टेक्निकल एक नेगवी भाई का। मैंने उनको बोला था कि हमारा चैनल के लिए एक GTA 5 का लाइट वर्जन मोड बना दो, तो उनने हमारा चैनल के लिए बना दिया है। ओके गाइज तो मैं आज आपको वही मोड देने वाला हूँ, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन गाइज वीडियो को शुरू करने से पहले और एक बात है मैं आपको कह देता हूँ, गाइज पहले आप इसका गेम प्ले देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊँगा आप उसको किस तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे, उसका अंदर मतलब उसका जो फाइल का पासवर्ड है, पासवर्ड क्या है, आप उसको किस तरीके से मतलब किसे इंस्टॉल कर पाएंगे, आपको क्या क्या चीज़ डाउनलोड करना है, मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊँगा। पहले आप थोड़ा गेम प्ले इसका देख लीजिए। ओके गाइज, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। We'll be right back.
ओके गाइज, तो आपको गेम प्ले कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। ओके तो गाइज, गेम को डाउनलोड करने के लिए पहले तो आप अपना ब्राउजर ओपन कीजिए। गाइज आपको सिर्फ दो फाइल डाउनलोड करनी है। गाइज आपको कोई भी GTA का फुल फाइल आपको डाउनलोड नहीं करनी है, सिर्फ दो फाइल। एक APK है, गाइज आपका नेगेट फोन है तो मेरे पास जो फोन है वो नेगेट अपडेटेड है, तो मैं नेगेट के APK यूज करूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नगेट और मार्शमेलो दोनों का ही लिंक मिल जाएगा APK का। गाइज आप नगेट का जो APK है आप अपने मार्शमेलो या लॉलीपॉप में इंस्टॉल करेंगे भी वो भी 100% और करेगा। ओके तो आपको सिर्फ APK और यहाँ पर जो GTA मोड जो है वो आपको डाउनलोड करना है। ओके गाइज, GTA 5 का जो मोड आपको सिर्फ वो डाउनलोड करना है, सिर्फ दो चीज़ें आप डाउनलोड करनी है। ये GTA का लाइट वर्जन है तो इसमें आपको और कोई भी चीज़ डाउनलोड करना नहीं है। ओके तो इन दोनों फाइल को डाउनलोड कर देने के बाद आपको करना है क्या कि आप JRChiver को ओपन कर लीजिएगा। JRChiver को मतलब JRChiver आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ओके गाइज, तो JRChiver को ओपन करने के बाद आप गेम को जहाँ पर डाउनलोड किया है वापस चले जाइए। ओके और एक बात है गाइस, एक गेम को जो जिसने बनाया है टेक्निकल AK निगवी भाई, उसका चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो बहुत अच्छा अच्छा GTA का मोड बनाते हैं, आप जाके प्लीज चेक कर लीजिएगा। बहुत अच्छा अच्छा मोड बनाते हैं GTA का। ओके फिर गाइस, डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का फोल्डर मतलब आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा, GTA APK और GTA 5 मोड बाई टेक्न मतलब टेक्निकल AK निगवी। ओके फिर गाइज आपको क्या करना है कि पहले तो आप अपना जो GTA का जो डाटा फाइल है वो भी डाटा फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। गाइज एक्सट्रैक्ट करने के समय पर आपके सामने पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पर गाइज पासवर्ड में आपको डालना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको पहले स्मॉल लेटर में लिखना है BY स्मॉल लेटर में लिखना है, फिर आपको कैपिटल लेटर में लिखना है TAKN। गाइज आपने आप यहाँ पर देख लीजिए गाइज बाय टेकन। ओके फिर आपको ओके में दबा देना है। ओके में दब मतलब ओके में क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ देखेंगे आपके सामने जो फाइल वो एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके और भाई आप प्लीज़ टेक्निकल AK निगवी भाई को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो बहुत अच्छा अच्छा GTA का मोड बनाता है। ओके तो अभी हमारा फाइल पर एक्सट्रैक्टिंग हो रहा है तो हम यहाँ पर थोड़ी देर वेट करते हैं। ओके गाइस एक्सट्रैक्टिंग होने तक मैं आपको और कुछ बता देता हूँ। गाइस इस आपको पता होगा इसलिए GTA लाइट है, मतलब आप सिर्फ मोड और APK डाउनलोड करेंगे तो एक गेम आपके फ़ोन में चल जाएगा। इस मोड को चलाने के लिए आपको पहले से ही आपके फ़ोन में GTA है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके फ़ोन में GTA नहीं है तो फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ आप APK और डाटा को डाउनलोड कर लीजिएगा तो एक गेम आपके डिवाइस में चल जाएगा। ओके और एक बात है कि गाइज आपके CPU के हिसाब से मतलब डाटा फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करना है। जैसे कि आप मान लो आपका एंड्रीनो है, गाइस एंड्रीनो है तो DXT लिखना है। गाइस ऑलरेडी DXT पर लिखा हुआ है, मेरा एंड्रीनो का फ़ोन है और जिसने बनाया है मतलब टेक्निकल AK उसका भी टेक्निकल AK नेगवी भाई उसका भी एंड्रीनो का फ़ोन है, एंड्रीनो का CPU है, इसलिए आपको एंड्रीनो में मतलब आपका CPU एंड्रीनो है तो आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। आपका माल ईयर तो सिर्फ आपको चेंज करके लिखना है, ETC आपका पावर भी आ रहा है तो आपको सिर्फ लिखना है PVR। ओके गाइस तो यहाँ पर हमें हमारा फाइल एक्सट्रैक्ट होने वाला है। गाइस आपको सिर्फ तीनों फोल्डर के अंदर से चेंज करना होगा। ओके मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ क्या क्या करना है। तो आपका पावर भी आ रहा है तो PVR, आपका एंड्रीनो तो DXT तो ऑलरेडी लिखा हुआ है DXT और आपका माल ये तो ETC। ओके तो हमारा फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुका है। फिर गाइस आपको करना क्या कि जो यहाँ पर कॉम्प्यूटर रॉकस्टार गेम यहाँ पर जो फोल्डर आ चुका है, फिर आपको करना है इसको कट करने के बाद आपको जाना है आपका इंटरनल एंड्रॉयड डाटा। गाइस आपको डाटा में पेस्ट करना है। ओके देखिए गाइस डाटा में पेस्ट हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे फोन में कोई भी GTA नहीं है, पहले से मेरे फोन में कोई भी GTA डाला हुआ नहीं है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए गाइस OBB अभी बात देख सकते हैं मेरे पास कोई भी GTA नहीं है, मैं आपको होम स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। गाइस ये देखिए मेरे पास कोई भी GTA नहीं है, ये देखो गाइस मेरा गेम फोल्डर इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ओके तो मैं अभी GTA को इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो अभी हमारा जो डाटा पेस्टिंग वो हो चुका है, फिर आपको करना क्या है कि आप फिर से जाइए उस फोल्डर में और APK को इंस्टॉल कर दीजिए। ओके गाइस इंस्टॉल APK को इंस्टॉल कर देने के बाद आपका गेम वो रन कर जाएगा आपके डिवाइस में। अब तो इसका गेम प्ले पहले देख चुके हैं गाइस, आपको उस तरह का गेम इसमें मिलने वाला है। तो यहाँ पर GTA इंस्टॉल हो रहा है हमारे APK, हम यहाँ पर वेट करते हैं। ओके गाइस ओपन देखिए गाइस यहाँ पर ऐप इंस्टॉल दिखा रहे थे, हम उसको डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो गाइज ओपन करने के बाद आप देखेंगे नीचे पर एंड्रो गेमर लिखा हुआ है। गाइज एंड्रो गेमर इसलिए लिखा रहा है, ये जो GTA लाइट वर्जन है वो एंड्रो गेमर ने बनाया है। ओके गाइज फिर आपको ऑफलाइन मोड में क्लिक करना है। ऑफलाइन मोड में क्लिक करने के बाद गाइज ये बात देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो लॉक स्क्रीन पूरी तरह से चेंज किया गया है, पर अब तो गेम प्ले पहले भी देख चुके होंगे। ओके
तो यहाँ पर देखिए ग्रैंड थीफ ऑटो 5 पर इसका लोडिंग स्क्रीन भी आ रहा है, ग्रैंड थीफ ऑटो 5। तो ओके गाइस ये पर इसका लोडिंग स्क्रीन भी आ रहा है गाइस। और एक बात है कि मेरा नया चैनल है टीटीजी इज लाइव में, आप मुझे कमेंट करके बता देना उसमें कौन से गेम का सीरीज करूँ। ओके तो यहाँ पर गाइस देख सकते हैं हमारे सामने आ चुके प्लेयर। ओके गाइस तो यहाँ पे आप मुझे कमेंट करके बता देना आपको गेम कैसा लगा। ओके गाइस आप इसका गेम प्ले तो पहले देख चुके होंगे। ओके